हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को मोटा बनाना चाहते हैं तो एक बार इस दवाई का यूज अपने बालों में करके देखिए। इसके यूज से आपके बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा, बालों का पतलापन हमेशा के लिए हटकर बाल मोटे हो जाएंगे और बाल एकदम से सिल्की शाइन भी हो जाएंगे। आपको फ्रेंड्स एक सिंपल सा नुस्खा वीक में बनाकर अपने बालों में लगाना है, जिसके यूज से आपकी सर की सारी समस्याएं ये जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो गाइस जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल और आपको इसमें ऐड करना होगा आंवला पाउडर। अगर आप गर्ल्स हैं तो फ्रेंड्स आप एक चम्मच आंवला पाउडर लीजिए और अगर आप बॉयज हैं तो फ्रेंड्स आपके बालों के लिए मात्र आधा चम्मच ही काफी रहेगा। इस तरह से आप इसमें एक चम्मच आंवला पाउडर ऐड कर दीजिएगा। आंवला पाउडर को ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना होगा विटामिन ई कैप्सूल। इवॉन कंपनी के 400 mg का एक विटामिन ई कैप्सूल आपको इसमें ऐड करना होगा। फ्रेंड्स, विटामिन ई कैप्सूल के जरिए आप अपने बालों को हमेशा के लिए सिल्की शाइन बना सकते हैं, बालों का दोमुहापन बेजानपन उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा कैस्टर ऑयल। आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना होगा। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों के लिए नई जान लाता है, बालों को सिल्की शाइन देता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है और फ्रेंड्स आपके बालों का दोमुहापन बालों का पतलापन उन्हें भी जड़ से खत्म कर देता है। और इसके बाद मात्र आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी होगी, वो है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। आपको फ्रेंड्स इसमें अच्छी कंपनी के एलोवेरा जेल को ऐड करना होगा, मात्र आपको इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल का ऐड कर दीजिएगा। एलोवेरा जेल को ऐड करने के बाद आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाकर बालों की जड़ों की मसाज करनी है और उसके बाद आप इसे अपने पूरे बालों में लगाकर छोड़ दीजिएगा लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कीजिएगा। मात्र वीक में आपको इसका एक बार यूज करना है और फ्रेंड्स अगर आपको इसका फायदा होगा तो आप लगातार 1 मंथ तक इसका जरूर यूज कीजिएगा। हमेशा के लिए बालों की उलझने, बालों का पतलापन, दोमुहापन अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।